आपने जिसको कट्टर ईमानदार का प्रमाण पत्र दिया वो कट्टर बेईमान निकला, पूर्व उप मुख्यमंत्री जो कि उस वक्त शराब मंत्री भी था। तो मैंने एक चुनौती उठाई कि आप डिनाय करिए कि 32 लाख का ये जो चेक है ये रिश्वत है, ये आपने नहीं लिए। और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूं ऐसा क्यों है जिसको आप कहते हैं कट्टर ईमानदार वो सर्वोच्च न्यायालय जाता है उसको राहत नहीं मिलती है, दिल्ली उच्च न्यायालय ईडी के मामले में और सीबीआई के मामले में दो मामले चल रहे हैं, बेल नहीं देती है और 7.5 महीने से वो कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा दाहिना हाथ बायां हाथ दोनों लिप्त हैं इस भ्रष्टाचार में, लेकिन ये 10 सर वाला भ्रष्टाचारी रावण कौन है? ये तो अरविंद केजरीवाल की ही सोच है जो मजबूर करती है अपने सांसदों को मंत्रियों को भ्रष्टाचार करो और मेरी तिजोरी भर दो। तो हम हमेशा कहते हैं जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। और यह भी सच है कि अरविंद केजरीवाल घबराए हैं, वो डरे हुए हैं, जांच एजेंसियों के नाम से वो थरथर कांपते हैं कि मुझे बचा लो। लेकिन कान खोलकर सुन लीजिए अरविंद केजरीवाल जी, आपका ये मानना है आप बड़े खास हैं, पाप करेंगे भ्रष्टाचार करेंगे आप पे कार्रवाई नहीं होगी, और जनता का मानना जांच एजेंसियों का मानना यह है कि कानून से ऊपर कोई नहीं।